थैंक यू सर. वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट. हम माही म्युनिसिपल सेकेंडरी स्कूल से दिनेश सर बोल रहे हैं. आज हम साइंस 2 का स्टैंडर्ड 9th का लेसन नंबर 18 जो है अंतरिक्ष अवलोकन, उसके बारे में रीड करेंगे. बेटा बहुत इम्पोर्टेंट लेसन है ये वाला अंतरिक्ष अवलोकन, जिसमें हम दूरबीन के बारे में और इसरो के बारे में जानकारी आज हम आपको देने वाले हैं. इसरो क्या होता है, दूरबीनें कैसे हुई, किसने खोज किया, कब हुआ, फिर इसका कार्य क्या है, ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन हम आपको आज ये लेसन में बताएंगे. तो अंतरिक्ष अवलोकन, बेटा नाम से तो हमको ऐसा लगता है कि अंतरिक्ष के, वैसे भी हम मानव में जो पृथ्वी पर मौजूद हैं, कितने जो भी वस्तुएं पृथ्वी पर मौजूद हैं हम उसको आसानी से देख पाते हैं, लेकिन फिर भी बेटा हम लोगों को ऐसा लगता है कि रियल में अंतरिक्ष में या गैलेक्सी में होगा क्या, या क्या होगा, जो हम ऐसा बहुत बार अपने माइंड में या विचार में सोचते होंगे. तो आज हम उसी के बारे में देखेंगे कि अंतरिक्ष अवलोकन में क्या है. आप जैसे कि स्क्रीन पर देख रहे हैं अंतरिक्ष अवलोकन, और यहाँ पे दूरबीन दूरदर्शी इस तरह से आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है. तो ये अंतरिक्ष का भाग है जो आपको ऑनलाइन स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है. तो हमको बहुत जानने की उत्सुकता होती है कि रियल में अंतरिक्ष में होगा क्या, या क्या होता होगा, या कैसे वहां के ग्रह रहते होंगे, कैसे तारे होंगे, या कितने दूर होंगे हमारे से, ये सारी की सारी जो बातें हैं बेटा वो अंतरिक्ष अवलोकन में हम आपको बताते. लेकिन सबसे पहले हम आपको ये बताते हैं कि हम जब एक जैसे पृथ्वी पर एक मैदान पर खड़े हैं, वहां से अगर हम देखेंगे आसमान की ओर, तो क्या होगा कि हमको चांद दिखाई देंगे, तारे दिखाई देंगे, और चांद तारे और अनेक ऐसे ग्रह दिखाई देंगे. लेकिन ऐसे बहुत सारे ग्रह हैं जो हमको अपने खुली आंखों से दिखाई नहीं देते. तो उसके लिए सबसे पहले हमारे गैलीलियो जो वैज्ञानिक हैं, उन्होंने एक दूरबीन का निर्माण किया. गैलीलियो ने हमारे वैज्ञानिक हैं गैलीलियो, इन्होंने सबसे पहले दूरबीन का निर्माण किया. अब ये दूरबीन यानी दूर की वस्तुएं को हम आसानी से पास में देख सकते हैं. तो उन्होंने सबसे पहले ऐसा प्रयोग किया कि दो जो कांच होते हैं, या दो जो मिरर होते हैं, या जो दो लेंस होते हैं, उनको उनको एक दूसरे के साइड में या सामने में रखकर देखा, तो उनको ऐसा लगा कि जो दूर की वस्तुएं हैं वो हमको बहुत नजदीके दिखाई दे रही है. तो फिर उन्होंने ऐसी खोज किया और एक ऐसा यंत्र बनाया जिसका नाम दिया गया दूरबीन. तो उनका वो यंत्र बनाया, और वो यंत्र से हमको आज दूर की वस्तुएं जो भी हैं, जितने भी हैं हमारे गैलेक्सी में, हमारे ब्रह्मांड में जितने भी ग्रह हैं, ये सारे के सारे हम देख सकते हैं इसी दूरबीन की सहायता से. यानी आज की तारीख में अगर पहले की जो प्राचीन काल में अगर गैलीलियो न होते, या पहले के इसमें गैलीलियो ने खोज नहीं की होती, तो हम अपने पृथ्वी पर इतने सारे जितने भी जो भी है, जैसे मौसम विभाग की जानकारी होना हो, या फिर हमारे नए नए टेक्नोलॉजी का विकसित होना हो, तो ये सब बातें हमारे माइंड में या आती नहीं है. तो इसीलिए ये इसका जो उपयोग हुआ है वो बहुत ही सही और सटीक ढंग से किया गया है. तो हम जैसे कि ये देखें अपने आंखों से, खुले आंखों से देख पा रहे हैं. अभी जो स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं हमको, ये छोटे छोटे ग्रह दिखाई दे रहे हैं, ये हम अपनी खुली आंखों से देख पा रहे हैं. लेकिन बहुत सारे ऐसे जो ग्रह हैं, तारे हैं, जो हमको दिखाई नहीं देते. तो इसका भी नहीं दिखाई न देना यानी भी एक प्रकार का वेव है, या एक प्रकार का तरंग है. तो ये इसके बारे में थोड़ा आगे बताते हैं आपको. सबसे पहले ये गैलीलियो देखो इस तरह से स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं. गैलीलियो इन्होंने आविष्कार किया. क्या हुआ था उस समय, ये देखते हैं शुरुआती दौर पर कि क्या हुआ था. पुरातन काल से ही मानव जो है सूर्य और चंद्रमा तारों की ओर कौतूहल से देखते की शुरुआत की थी. यानी पहले के जमाने से ही ये बेटा चालू था. यानी हमको आज भी उत्सुक है कि रियल में
वो तारे में या सूर्य में होगा क्या या कैसा दिखता होगा, ये सारे के सारे जानने के लिए हम आज भी बहुत ही उत्सुक रहते हैं। तो केवल आंखें द्वारा किए गए अवलोकन और अपार कल्पना शक्ति की सहायता से ही उन्होंने आंखों द्वारा देखने वाले आकाश को समझने का प्रयत्न किया था। यानी सबसे पहले तो स्टार्टिंग में जब गैलीलियो ने स्टार्ट किया था, तब तो उन्होंने सिर्फ आंखों के द्वारा ही समझने का प्रयास किया। वो तब उस समय तो बना नहीं था, लेकिन फिर भी उन्होंने बाद में उनको समझ में आया कि आकाश में तारों नक्षत्रों की स्थिति समयानुसार बदलती है। इस आधार पर मानव को समझ में आया कि इस स्थिति और ऋतु चक्र का कुछ न कुछ संबंध तो है। खेती के लिए ऋतु चक्र की जानकारी अवश्य होने के कारण यह आकाश दर्शन उनके लिए उपयोगी सिद्ध हुआ। नक्षत्रों की स्थिति नाविकों को भी दिशा दर्शक के रूप में उपयोगी साबित हुई। यानी आकाश अवलोकन से निर्मित हुई असंख्य प्रश्नों की उत्तर खोजने के मानव में ने प्रयत्न शुरू किए, परंतु आकाश के जो ग्रह हैं या तारे तारों को अधिक पास देखने के लिए मानव के पास कोई भी उपकरण उपलब्ध नहीं था। उस समय कोई भी ऐसा उपकरण नहीं था जो आकाश के जो तारे हैं या जो ग्रह होंगे उसको हम देख पाए। गैलीलियो की दूरबीन के बाद पिछले अभी देखो पिछले 400 वर्षों में दूरबीन तकनीकी और संपूर्ण अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी में मानव द्वारा की गई प्रचंड प्रगति के कारण ही इस विश्व का अत्यंत यानी विस्मयकारी चित्र हमारे सामने उपस्थित है। यानी आज से 400 वर्ष पहले की बात है, अगर ये दूरबीन गैलीलियो ने बनाई नहीं होती तो शायद हम लोग आज इतने आगे नहीं होते। टेक्नोलॉजी के दौर में शायद हम लोग इतने आगे नहीं होते। तो इसी के लिए ये जो लेसन इतना इम्पोर्टेंट है और बहुत आसान है बेटा, आप इसको आसानी से समझ सकते हैं। इसके लिए उन्होंने और जानकारी बताई थी कि अनुसंधान के लिए ही नहीं अपितु हमारे दैनिक जीवन में सुख सुविधाओं के लिए भी आज अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी उपयोगी सिद्ध हो रहा है। यानी सिर्फ हमको अनुसंधान के लिए ही नहीं था, यानी हमको अपने मानव जीवन के दैनिक जीवन में जो सुख सुविधाएं प्राप्त होती है उसके लिए भी ये जो खोज है दूरबीन का जो खोज है ये बहुत उपयोगी साबित हुआ। यानी बहुत ही सिद्ध साबित हो रहा है। अंतरिक्ष अवलोकन के लिए दूरबीन का उपयोग किया जाता है, परंतु क्या एक ही प्रकार की दूरबीन से या अंतरिक्ष का संपूर्ण निरीक्षण किया जा सकता है? नहीं, इसके लिए हमको लिखना होगा यहाँ नहीं। एक ही प्रकार की दूरबीन से अंतरिक्ष को हम नहीं देख सकते, उनको हम एक ही प्रकार के दूरबीन से हम सारे के सारे ग्रहों को की जानकारी हासिल नहीं कर सकते। तो उसके लिए क्या अंतरिक्ष में भी दूरबीनें स्थापित की जाती हैं? ऐसे अनेक बातों के पीछे कुछ न कुछ विज्ञान का हम इस प्रकार से अध्ययन करेंगे। सबसे पहले जो है ये जो अध्ययन है ये जो हम आज आपको बताएंगे, इसमें क्या होगा कि जो भी हम देख रहे हैं बेटा, जैसे कि मेरी आवाज आपके पास पहुंच रही है, इसका मतलब यहाँ पे हमारी आवाज से लेकर आपकी कानों तक जितने भी वेव्स जा रही है यानी तरंग वेव या तरंग धैर्य जा रहा है। तो ये जो तरंग धैर्य है ये अधिक दाब और कम दाब की और अपना पूरा जो है रोटेशन कंप्लीट करता है। यानी अधिक दाब और कम दाब, यानी हम उसको बोलते हैं स्पीडन और विरलन। तो यही इसी तरह से हमारी जो ये प्रकाश वेव है ये भी ऐसे ही आती है। यानी जब भी हमको अगर आसमान में देखना होगा या आसमान में हमको कुछ दूरबीन से देखना होगा तो क्या होगा कि एक प्रकार की ये जो है प्रकाश है, और ये जो प्रकाश है ये विद्युत चुंबकीय तरंग के कारण होती है। यानी विद्युत विद्युत चुंबक तरंग है, हम ये बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है। यानी इसको हम हिंदी में बोलते हैं विद्युत चुंबकीय तरंग। यानी एक प्रकाश है जो हमको
विद्युत चुंबकीय तरंग के फॉर्म में दिखाई देती है, यानी हम बोल रहे हैं तो ये भी एक तरंग है, ये भी हमारी जो आवाज आपके कानों तक आ रही है ये भी एक तरंग के फॉर्म में आ रही है। तो ये तरंग यानी इसको इंग्लिश में वेवलेंथ कहते हैं, जैसे तरंग दैर्ध्य यानी वेवलेंथ, ये वेवलेंथ यानी स्पीडन और विरलन का जब कंप्लीशन होता है वन राउंड उसको तरंग दैर्ध्य कहते हैं। तो ये एक प्रकाश का गुणधर्म है, जिस प्रकाश की तरंग दैर्ध्य, यहाँ देख सकते हैं आप, जिस प्रकाश की तरंग दैर्ध्य लगभग 400 नैनोमीटर NM से 800 नैनोमीटर के बीच होती है, ये NM यानी नैनोमीटर, इसको ध्यान में रखना है, ये रिक्त स्थान में एक मार्क का क्वेश्चंस आता है, इंपॉर्टेंट है। 400 नैनोमीटर से लेकर 800 नैनोमीटर के बीच जो तरंगे होती हैं उसी प्रकाश को हमारी आंखें देख सकती हैं, इसे ही हम दृश्य प्रकाश तरंगे कहते हैं। और इससे अगर कम ज्यादा हो गई तो शायद ये हमारे आंखों को, हमारे आंखें देख नहीं पाएगी, परंतु इस तरंग दैर्ध्य के अतिरिक्त अन्य तरंग दैर्ध्य, हमारे तरंग दैर्ध्य का प्रकाश भी होता है जिसे हम नहीं देख सकते। जैसे ऐसे बहुत सारे लाइटेज है, बहुत सारे वेव्स है जो हम अपने खुली आंखों से नहीं देख सकते, जैसे हेलोजन हो गया, हेलोजन बड़ा होता है आपको पता है, उसकी जो लाइट है वो हम अपनी खुली आंखों से नहीं देख सकते। जैसे एक्लिप्स होते हैं, जैसे ग्रहण लगते हैं, आप लोगों को पता है ग्रहण लगता है, सूर्य ग्रहण लगता है, चंद्र ग्रहण लगता है बेटा, तो हम अपनी खुली आंखों से नहीं देख सकते क्योंकि इनके जो रेंज होती है, इनकी जो वेवलेंथ होती है वो बहुत कम होती है, और कम होने के कारण हम इसे देख नहीं सकते। यानी 400 नैनोमीटर से लेकर 800 नैनोमीटर तक की जो तरंगे होती है वही हम देख पाते हैं। तो ऐसे जो तरंग हैं उसको हम बोलते हैं दृश्य प्रकाश तरंगे, जो हम अपनी खुली आंखों से देख पाते हैं, इसको हम इंग्लिश में विजिबल वेवलेंथ भी कहा जा सकता है। तो इसका उसके बाद ये देखो, हम इसको अपने आंखों से देख सकते हैं, ये है अपने आंखों से हम ऐसे देख सकते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे हैं जो हम अपने आंखों से देख नहीं सकते। ये एक मेन इम्पॉर्टेंट पॉइंट था जो उन्होंने बनाया, जो दूरबीन बनाई थी गैलीलियो ने, तो उनमें ये त्रुटियां भी थी कि किस तरह से वो हमको, हम उसको देख पाएंगे या नहीं। तो ऐसे बहुत सारे रूप हैं हमारे तरंगे के, हमारे पृथ्वी पर बोलो या हमारे ब्रह्मांड में। तो वहाँ सबसे पहले तरंगे क्या दिया हुआ है, देखो आप, रेडियो तरंगे हैं हमारे ब्रह्मांड में, या हमारे सौरमंडल में उपस्थित रेडियो तरंगे हैं, सूक्ष्म तरंगे हैं, कुछ सूक्ष्म तरंगे हैं, अवरत्न तरंगे हैं, प्रकाश दृश्य प्रकाश तरंगे हैं, पैरा मैग्नीशियम यानी अल्ट्रावायलेट रेज हैं, श एक्स रेज हैं, श किरणें ये भी हैं, गामा रेज हैं, ये भी तरंगे हमारे वातावरण या बोलो ब्रह्मांड में उपस्थित हैं। तो यहाँ से सिर्फ एक ही जो है दृश्य प्रकाश, ये जो है दृश्य प्रकाश तरंगे, इसी को ही हम देख सकते हैं, बाकी जो है तरंगे उसको हम देख नहीं सकते। तो ये जो है, ये भी एक उनके लिए बहुत क्वेश्चन था कि अगर ये तरंगे को देख सकते हैं तो बाकी जो दूसरे जो ग्रह होंगे उनको हम कैसे देखेंगे। तो इस तरह से ही, तो यहाँ पे लगभग ये भी दिया गया है, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, तरंग दैर्ध्य इनकी जो है रेडियो तरंग दैर्ध्य की लगभग 20 सेंटीमीटर से अधिक होता है उसका जो वेवलेंथ है, और सूक्ष्म तरंगे जो है MM होता है, मिलीमीटर टू सेंटीमीटर तक होता है, फिर 800 नैनोमीटर से लेकर 0.3 मिलीमीटर तक होता है, फिर ये 400 नैनोमीटर NM यानी नैनोमीटर होता है, वो 800 नैनोमीटर तक होता है, और फिर पैरामैग्नेट यानी अल्ट्रावायलेट जो रेज होती है वो 300 PM यानी पैकामीटर, आप सॉरी पेनोमीटर बोल सकते हैं, नैनोमीटर और पिकामीटर बोल सकते हैं, PM को पिकामीटर। तो ये जो है 400 NM तक होती है, और एक्स किरणें जो है हम एक्सरा वगैरह जो निकालते हैं वो 300 पिकामीटर से, सॉरी 3 पिकामीटर से 300 पिकामीटर जो हमको दिखाई नहीं देती, उसके लिए स्पेशल मशीनें होती हैं, जैसे एक्सरे हो गया हमारी, अगर हड्डियों का एक्सरे करना होता है तो वो हमको, वो स्पेशल एक मशीन होती है उनके द्वारा हमको
दिखाई दे सकता है। तो गामा किरणें होती है वो 3 पिकामीटर से कम, इस तरह से वो दिखाई देते हैं। और यहाँ पे दिया गया है आपको 1 nm, 1 nm यानी नैनोमीटर, 1 nm यानी कितना मीटर होता है, 10^-9 मीटर इतना उसका, यानी एक को हम एक को टुकड़े कर देंगे उसके 10^9 बार टुकड़े कर देंगे, यानी 1 के बाद 9 0 लगा देंगे, इतना उसका जो है ये हो जाएगा मीटर में, जितना भी आता है। हम लोग साधारण कपड़ा लेते हैं तो 1 मीटर हम तौलते हैं या 1 मीटर हम स्केल से देखते हैं दुकान में जाकर, तो वैसे ही होता है बेटा कि 1 मीटर का हमने अगर 10,000 टुकड़े कर दिया तो इतना उसका नैनोमीटर होगा। वैसे ही पिकामीटर भी है, 1 पिकामीटर का तो उसको 12 - 12 मीटर इस तरह से आ जाएगा, 10^-12 मीटर इस तरह से लगभग उनका वेव्स रहती है, इस तरह से ये जो वेव है वो बताया गया है। अब देखो दृश्य प्रकाश जो दूरदर्शी है में आने वाली कठिनाई को दूर करने के लिए अवतल दर्पण से दूरदर्शी बनाए जा सकते हैं, यानी ये जो दूरदर्शी है दृश्य प्रकाश जो हमको दिखाई देते हैं, ये होता है बेटा इनकी जो भी कठिनाइयां होगी इसके लिए अवतल दर्पण से दूरदर्शी बनाए जा सकते हैं, यानी इसमें अवतल दर्पण द्वारा प्रकाश का परावर्तन होने के कारण इस दूरदर्शी को परावर्तन दूरदर्शी यानी रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ से परावर्तन होता है, यानी परावर्तन होने के कारण रिफ्लेक्ट हो जाता है, तो रिफ्लेक्ट टेलीस्कोप भी कह सकते हैं। इसमें पिंड का तेजस्वी प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बड़े दर्पण आवश्यकता है, परंतु बड़े दर्पण को बनाना तुलनात्मक दृष्टि से आसान होता है, अनेक टुकड़ों को जोड़कर भी बड़ा दर्पण बनाया जा सकता है, इसका वजन भी उतना ही आकार के लेंस की अपेक्षा कम होता है, और दर्पणों द्वारा प्राप्त हुई प्रतिबिंब में रंगों की त्रुटियां नहीं होती। यानी बहुत सारे दर्पण हैं, पहले तो जो लेंस बनाए थे पहले जो लेंस के द्वारा दूरबीने बनाए करते थे, लेकिन उसके बाद गैलीलियो आया और लेंस से नहीं, उन्होंने क्या किया ऐसे दर्पण को रखा सामने, तो दर्पण के द्वारा दूरबीने बनाई, उससे क्या हुआ कि वो जो भी त्रुटियां थी, जो दूर का जो स्पष्ट नहीं दिखाई दे रहा था वो क्लियरली सामने आ गया, यानी क्लियरली दिखाई दे दिया। तो इस तरह से हम आकाश के जो आकाशगंगा है या तारों को जो है वो देख सकने योग्य हो गए, तो इस तरह से उन्होंने ये बनाए थे। लेकिन बाद में बेटा एक और वैज्ञानिक आया, उन्होंने बताया कि देखो क्या हुआ, न्यूटन नाम के एक और वैज्ञानिक आए, उन्होंने बताया कि दो प्रकार से उन्होंने एक न्यूटन पद्धति का दूरबीन बनाया और फिर कैसेग्रेन पद्धति का दूरबीन बनाया, ऐसे दूरबीने उनके बाद भी विकसित किया गया। तो उन्होंने ये बताया कि प्रकाश स्रोत जो भी होते हैं, ये जो भी प्रकाश स्रोत होते हैं ये डायरेक्टली अवतल दर्पण पर प्राप्त होकर समतल दर्पण पर इनकी जो है वो परावर्तित होती है किरण। तो ये न्यूटन पद्धति की दूरबीन के बारे में उन्होंने थोड़ा सा बताया, जहां नेत्रिका ऊपरी भाग की ओर से रहती है। ये दो जो आकृति है स्क्रीन पर दिखाई दे रही है बेटा, ये इंपॉर्टेंट है, आपको ये बनाने के लिए आती है कि न्यूटन पद्धति की दूरबीन की आकृति बनाओ और कैसेग्रेन पद्धति की दूरबीन की आकृति बनाओ। ये दोनों जो दूरबीन है ये आती है, तो ये दो में से कोई एक आती है 2 मार्क की, या अगर दोनों आ गई तो 3 मार्क की आती है। ये दोनों की जो है स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं और इसको समझ सकते हैं। तो ऐसे कैसेग्रेन पद्धति की है, इसमें नेत्रिका ऊपर है, इसमें नेत्रिका यहाँ है, इसमें अवतल दर्पण पर प्रकाश आती थी और समतल पे जाती थी, और इसमें डायरेक्टली प्रकाश स्रोत कहाँ आती है, अवतल दर्पण पर आकर उत्तल पर जाती है, तो यहाँ से उत्तल दर्पण की ओर जाती थी, यानी इस पर
समतल दर्पण का उपयोग किया गया है, इस पे उत्तल दर्पण का उपयोग किया गया है, ये हमको ध्यान में रखना होगा। ज्यादा कुछ फर्क नहीं है दोनों आकृति में, इस तरह से ये जो है आकृति। उसके बाद है ऐसे जो दूरबीने हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं बेटा, यहाँ से भी एक मार्क रिक्त स्थान में आ सकता है आपको। भारत में 2 मीटर के व्यास वाली, यानी ये देखो आप यहाँ देख सकते हैं, ऐसे दूरबीने अभी भी मौजूद हैं भारत में। 2 मीटर के व्यास के दर्पण वाली कुछ दूरबीने अनेक वर्षों से कार्यरत हैं, यानी बहुत सारी ऐसे दूरबीने हैं अपने भारत में भी। तो भारत की सबसे बड़ी 3.6 यानी 3.6 मीटर व्यास की दूरबीने नैनीताल के आर्यभट्ट संस्थान में अभी भी स्थित है। नैनीताल आर्यभट्ट संस्थान में, विज्ञान शोध संस्थान में अभी भी स्थित है, जिसकी जो डायमीटर है यानी व्यास है 3.6 है, 3.6 की डायमीटर का है इसका, ये अभी भी हमारे इंडिया में मौजूद है। यह एशिया में दृश्य प्रकाश की सबसे बड़ी दूरबीन है, यानी दृश्य प्रकाश की सबसे बड़ी दूरबीन है एशिया की। यहाँ से आपको आ सकता है कि कहाँ पे मौजूद है ये आ सकता है, या फिर भारत में कौन से ठिकान में ये दूरबीनें मौजूद है ये आ सकता है, एशिया में सबसे बड़ी दूरबीन कहाँ है ये भी आ सकता है। इस तरह से अनेक प्रकार के क्वेश्चन आपको एक मार्क के लिए पूछा जा सकता है। अब देखते हैं बेटा इसरो, ये थी दूरबीन के बारे में जो हमको इतना जानने का उत्सुक था कि रियल में हमारे ब्रह्मांड में क्या चल रहा है, कैसे होगा, या हमारे वातावरण में या हमारा पर्यावरण में क्या सामने होगा, या बारिश कब आएगी, मौसम कब आएगा, ये सब जानने के लिए जो है वो दूरबीन का उपयोग किया गया है। यानी दूर का विचार करने के लिए, मौसम विभाग का अनुसंधान का, या खेती किसानी। अब देखो ना, अगर कभी भी मौसम आ गया, बारिश हो गई, तो क्या होता है, हमारी पूरी खेती नष्ट हो जाती है। लेकिन ये जो इस तरह से जो संकल्पना लिए गए हैं, इससे क्या होगा कि हमको पता चलेगा कि नहीं, पहले से पहले हम सतर्क रह सकते हैं। तो इस तरह से उन्होंने खोज करके हमको बताया, तो ये इम्पोर्टेंट लेसन और अच्छा है। उसके बाद है बेटा इसरो के बारे में, हम थोड़ा इसरो के बारे में देखते हैं। आप लोगों को मैंने नाम लिया इसरो, मीन्स मैंने इसरो का नाम लिया, तो इसरो का नाम लिया तो क्या होगा कि आप लोगों के माइंड में डायरेक्टली आ गया होगा कि अभी जो चंद्रयान 2 हुआ था वो इसरो के द्वारा ही हुआ था, है ना। तो उस तो इसरो का पहले तो हम सबसे पहले फुल फॉर्म देखते हैं, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। आप यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हैं, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। इसरो के बारे में थोड़ी सी डिटेल, इस संस्थान की जो स्थापना है 1969 में की गई। यह मुख्य कृत्रिम उपग्रह निर्मित करने और उनके परीक्षण करने के लिए आवश्यक तंत्रज्ञान विकसित किया जाता है। आज तक इसरो ने अनेक उपग्रह का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है, और स्वतंत्र भारत में यह यशस्वी कार्यक्रम में इसरो की कार्य अग्रणीय है। यानी आप लोगों ने टीवी न्यूज पर भी देखा होगा कि इसरो के कारण ही सारा का सारा जो है संभव हुआ है, जैसे सैटेलाइट का काम, जैसे हम लोग जो फोन पे बात करते हैं, इसका मतलब क्या हो रहा है बेटा कि ये सारे के सारे जो है वेव्स, तरंगे जो है वो सैटेलाइट के थ्रू हमारे तक पहुंचती है ना। तो इसमें सबसे ज्यादा जो हाथ है वो इसरो का ही है, क्योंकि ये हमारे क्या करते हैं, हमारे जो वातावरण है, हमारे जो पर्यावरण है, इनको सुरक्षित रखने का कार्य, या फिर हमारी जो दूरदृष्टि है जहाँ पे हम पहुंच नहीं पाते, वहां पे भी मानव विकसित कैसे होगा, यहाँ पे भी समझाया गया है। इसी के कारण से ये जो है इसरो का जो है मुख्यालय बना हुआ है। अभी देखते हैं उसके आगे, भारत द्वारा अंतरिक्ष विज्ञान में की गई प्रगति का राष्ट्रीय और सामाजिक विकास में बड़ा योगदान है ना।
बड़ा विकास में बड़ा योगदान है। दूरसंचार, आप यहाँ देख सकते हैं, दूरसंचार, दूरदर्शन प्रसारण और मौसम विज्ञान सेवा के लिए इंसेक्ट और जीसेट यहाँ श्रृंखला कार्यरत। इसी कारण से ही देश में सर्वत्र दूरदर्शन, दूरध्वनि और इंटरनेट जैसी सेवा उपलब्ध हो सकी है। यानी जो हम आज यूज कर रहे हैं, ये सारे का सारा जो है इसरो की देन है, हम ये भी बोल सकते हैं। इसी श्रृंखला में ऐसे भी एजुसेट उपग्रह को तो केवल शिक्षा क्षेत्र के लिए उपयोग में लाया जाता है ना? और ये नियंत्रण और व्यवस्थापन या आपदा प्रबंधक के लिए ये जो है कार्य करते हैं। और आपको अधिक जानकारी हो तो, लेना हो तो, आप ये वेबसाइट के द्वारा भी देख सकते हैं। यहाँ यहाँ पे आप जाकर भी अधिक जानकारी इसरो के द्वारा देख सकते हैं। तो देखो यहाँ पे इसरो का जो मुख्य कार्यालय है वो बेंगलोर में दिखाया गया है। इसरो के कार्य देखो इस तरह से होते हैं। यहाँ पे आप सेकंड स्क्रीन पे भी देख सकते हैं कि किस तरह से ये कार्य करते हैं। यानी ये सिर्फ हमारे दैनिक जीवन को सफलतापूर्वक बनाने के लिए ये कार्य चलता है। इसमें किसी का कोई नाम नहीं है, लेकिन हमको हमारी दैनिक जीवन पूर्ण करने के लिए हमको ये कार्य करना है। ये इसरो कंपनी करती है। अब ये इसरो के बारे में थोड़े से और जानकारी, इसकी जो स्थापना हुई थी बेटा, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो, इसका जो स्थापना हुई थी वो 15 अगस्त 1969। इसका जो मुख्य कार्यालय है वो बेंगलोर में है, आप देख सकते हैं। इसका जो मुख्य कार्यालय बेंगलोर में है, पहले चेयरमैन है डॉक्टर विक्रम साराभाई। आप यहाँ देख सकते हैं, ये है डॉक्टर विक्रम साराभाई। इन्होंने ही इसरो के बारे में सबसे पहले जो था, सबसे पहले जो किए थे, इन्होंने ही इन्वेंट किया। डॉक्टर विक्रम साराभाई, आज भी वो अनुसंधान को डॉक्टर विक्रम साराभाई के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पे तीसरे का जो बताया है सतीश धवन, वो 1972 से 1972 से 84, इतने साल से यानी कार्यरत थे, 12 साल, इसलिए उनका नाम तीसरा चेयरमैन में सतीश धवन का नाम बताया गया है। और वर्धमान चेयरमैन में डॉक्टर के सिवान है, जो 10वें जो उनके चेयरमैन बने हैं इसरो के, इसलिए वहां पे 10th दिया गया है। इस तरह से आपको यहाँ बताया गया है। उसके और मुख्य जो भूमिका है इसरो की, विकास का क्रम क्या है। 1962 में भारतीय राष्ट्रीय अनुसंधान समिति बनी। 62 में ही थुम्मा भूमध्य रेखीय रॉकेट लॉन्च स्थापित या स्टेशन स्थापित किए गए। इस तरह से इसरो में ही कार्य हुआ। 15 अगस्त 1970 को परमाणु ऊर्जा विभाग के अंतर्गत इसरो की स्थापना की गई। 1972 में अंतरिक्ष आयोग एवं अंतरिक्ष विभाग की स्थापना हुई। इस तरह से ये सारा का सारा जो काम है इसरो के द्वारा हुआ। अब उन्होंने प्रक्षेपण यान बनाए थे, उनका परीक्षण किया, क्या हुआ? तो सबसे पहले था, आप लोगों को 9th के एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कि ये कौन से यान बनाए थे, तो आप लिख सकते हो वहाँ PSLV, CSLV और CSLV, M3, MK3, इस तरह से यान उन्होंने बनाया था। उनका सफल पूर्वक परीक्षण भी किया उन्होंने, इस तरह से उन्होंने लॉन्च किया। PSLV क्या है ये देखते, पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल है। यानी ये सैटेलाइट के को लॉन्च करने का एक साधन है ना? इसका उपयोग भू कक्षा यानी ध्रुवीय कक्षा में, यानी हमारे पृथ्वी के जहाँ जिस कक्षा में पृथ्वी घूमती है, उस कक्षा में ये आसपास अपना राउंड लगाकर ये जो है जितने भी है सैटेलाइट को जोड़ने का काम, या आप लोगों ने देखा है अगर कोई प्लेन से जा रहा है या जहाज से जा रहे हैं, तो वहां पे भी हमको जोड़ने का काम ये सैटेलाइट के थ्रू होता है। रोहिणी, वैसे ही रोहिणी भारत के मुख्य है, और रोहिणी उपग्रह भी है, भारतीय परीक्षण यान है। SLV-3 द्वारा भी श्रीहरिकोटा से यह प्रक्षेपण किया गया था। इस तरह से चंद्रयान 1 भी हमने हमको तो चंद्रयान 1 के बारे में जानकारी नहीं थी, लेकिन चंद्रयान 2 और 3 के बारे में जानकारी थी, जो अभी अभी हुआ था। आपने रोलर को भी देखा होगा टीवी पे बहुत बार, अभी जो न्यूज में आ रहे थे लास्ट, पिछले लॉकडाउन के पहले की बात है, उस समय भी देखा होगा। तो इस तरह से
ये सारे के सारे जो है इसरो के काम है। मंगलयान के बारे में बताया, 13 नवंबर 2003 में श्रीहरिकोटा, श्रीहरिकोटा से PSLV-C 25 द्वारा यहाँ पे लॉन्च किया गया था। उसके बाद ये भी देखा, चंद्रयान टू में टू का भी है, 2019 में ये भी हुआ था, आप लोगों ने देखा। इसमें भी एक मिशन था जिसमें एक ऑर्बिटर था, एक रोवर था, रोवर प्रज्ञान था, एक लैंडर था विक्रम। ये सारे के सारी न्यूज हमने अभी लास्ट टाइम टीवी में ही देखा था। तो ये जो बातें थी, ये सारा का सारा जो वर्क करता है ये इसरो करता है। और ये इसरो इसलिए करता है कि इनके जो इनके पीछे भी कुछ उद्देश्य होगा, क्या कारण होंगे इनके पीछे जो करते हैं। यानी अभी आप लोगों ने देखा होगा पृथ्वी पर इतना यानी जनसंख्या बढ़ गई या इतनी गंदगियां हो गई, तो हो सकता है कि कभी ना कभी या ऐसे प्रलय आ जाए या कुछ हो जाए तो पृथ्वी नष्ट हो जाए, ऐसा भी हो सकता है। तो दूसरे ग्रह में भी क्या हमारा मानव जीवन संभव हो सकता है, ये इनकी खोज करते हैं। और ये तो अभी संभव हो गया है कि मंगल ग्रह पे भी पानी मिला है, और पानी मिलने के कारण, पानी मिला है इसका मतलब वहां पे मानव जीवित रह सकता है। तो ऐसे यान अभी भी बनाने के लिए उत्सुक हैं कि ऐसे यान बनेंगे जो पृथ्वी से मानव को ले जाकर मंगल ग्रह पे छोड़ेंगे। यानी ये हमारा हमारे लिए फायदेमंद है, हमारे उद्देश्य के लिए या बोलो या हमारे जीवन जीने के लिए फायदेमंद होते हैं। इसीलिए ये जो है ग्रह या फिर ऐसे जो है यान बनाए जाते हैं, इस तरह से जो रहता है। फिर और आगे जो है इसके जो है उद्देश्य है कुछ, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के कुछ उद्देश्य हैं। चल तो इस तरह से ये जो है इनका उद्देश्य है, सबसे पहले विभिन्न राष्ट्रीय जो है कार्य होते हैं उसमें अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी और उनके उपयोग का विकास। हाँ सामोर महाराष्ट्र है ना ये? हाँ कार्यों के लिए है, और प्रौद्योगिकी और इसका उपयोग विकास, उसमें उसमें दूसरा दिया गया है। इसरो ने दो प्रमुख अंतरिक्ष प्रणाली है, इसमें दो प्रमुख अंतरराष्ट्रीय प्रणाली है स्थापित की है, जिसमें पहला दिया गया है संचार दूरदर्शन प्रसारण मौसम विज्ञानी सेवा। इस तरह से है, और दूसरा भी दिया गया है संसाधन मॉनिटर तथा प्रबंधन के लिए भारतीय संदूत। इस तरह से और दिया गया है इसरो के जो इंसेक्ट है उनके उपग्रह हैं, ऐसे भी दिया गया है प्रमोशन के लिए। तो ये जो है जानकारी आप लोगों को है बेटा। उसके बाद आप देख सकते हैं कि इसरो के कार्य कैसे होते हैं, इसको समय समय पर हमको समझना होगा। और किसी भी स्टूडेंट को अगर कुछ पूछना होगा तो आप पूछ सकते हैं बेटा। भी स्टूडेंट को कुछ क्वेश्चन करना होगा तो आप पूछ सकते हैं। सर किसी के रेज हैंड नहीं है तो क्लास एंड कर दीजिए सर। ओके ओके, थैंक यू सर, थैंक यू बेटा। आप लोगों ने जो भी ये किया है वो अभी लेसन नंबर जो लास्ट है सेकेंड लास्ट, आप उसको अच्छे से एक बार वन टाइम रीड कीजिए, है ना? ओके, बाकी का जो नेक्स्ट है पोर्शन है जो नेक्स्ट पीरियड। ओके, थैंक यू सर।